नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं जगदूत लाइव। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र हरिवंश कुमार का विवाह बिहार दलित शक्ति संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सरहन पटना निवासी प्रमोद पासवान की तृतीय पुत्री नीतू कुमारी के साथ गत 18 दिसंबर रोज शनिवार को पटना जिला के सरहन में दहेज मुक्त विवाह उत्सव आयोजन कर बौद्धिष्ट विधि विधान से संपन्न हुई। तत्पश्चात मंगलवार को ननकू मंडल टोला में स्थित मेनका कार्तिकेय सदन के सभा कक्ष में एक समारोह आयोजन किया गया। नवविवाहिता वर वधू को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में महिला बाल विकास समिति बिहार विधानसभा पटना की पूर्व सभापति व जदयू की पूर्व सदर विधायक पूनम देवी यादव ने हरिवंश और नीतू कुमारी के दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम और विश्वास का असीम मिष्ठांस भरा रहने का मंगल कामनाएं करते हुए कहा, दहेज मुक्त विवाह के लिए राकेश पासवान शास्त्री को साधुवाद देते हुए कहा कि हमारी नीतीश सरकार जी की सरकार का दहेज उन्मूलन के सफलता के लिए उत्कृष्ट प्रयास है। हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर श्री शास्त्री जी को सम्मानित कराने का काम करेंगे। राकेश पासवान शास्त्री ने इकलौते पुत्र हरिवंश का दहेज मुक्त विवाह रचा कर एक उदाहरण बन गए हैं। समाज में दहेज लेना और देना दोनों पाप है। सबों को बगैर दहेज का बेटा बेटी की शादी करना चाहिए। वहीं कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार ने नव दंपत्ति को दीर्घायु सौभाग्यपूर्ण व सुखमय जीवन के लिए मंगल कामना के साथ बधाई व शुभकामनाएं दिया।